हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। अप्रैल 1982 हरिजन नाटक। ऐसा क्यों है कि जन्म के पास जाति के मुद्दे पर अब तक एक भी नाटक नहीं है? मुझे याद नहीं पड़ता कि सफदर से यह सवाल मैंने कब पूछा था, मगर मुझे ये याद है कि हम सेंट्रल दिल्ली में कहीं पैदल जा रहे थे। मुझे ल्यूटेंस दिल्ली के घने छायादार पेड़ों के बीच शाहराहें याद हैं। सफदर ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो ये एक पेचीदा मुद्दा है, भीषण रूप से जटिल। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये सोचकर देखो कि हम उत्पीड़ित जातियों को किस तरह से संबोधित करते हैं। लोग उनके लिए अछूत या चूड़ा जैसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते थे। तब गांधी जी आए और उन्होंने इन जातियों को सम्मान देने की मंशा से हरिजन शब्द ईजाद किया। लंबे समय तक यही शब्द चलता रहा। सरकारी शब्दावली में उन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। आज उत्पीड़ितों में जो जागरूकता आई है उसके चलते वे हरिजन शब्द पसंद नहीं करते, बल्कि खुद को दलित कहलाना पसंद करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या दलित एक मराठी शब्द है? ये सुनकर मुझे शर्म महसूस हुई क्योंकि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं था। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो इस सवाल का जवाब है कि यह मराठी शब्द नहीं है, यह संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है टूटा हुआ। और यह शब्द बाबा साहेब अंबेडकर ने हरिजन शब्द के मुकाबले चुना था। बाबा साहब की समझ थी कि गांधी जी हरिजन शब्द के माध्यम से उत्पीड़ित जातियों को भले ही सम्मान देने की बात करते हों, दरअसल चतुर्वर्ण के बाहर खड़े समुदायों को हिंदू धर्म से जोड़ने की एक अप्रत्यक्ष चेष्टा थी। दिलचस्प बात यह है कि जाति के पहले बड़े सिद्धांतकार ज्योतिराव फुले दलित शब्द का कहीं नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि अतिशूद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वे शूद्रातिशूद्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो कि चतुर्थ वर्ण शूद्र और अतिशूद्र यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर मौजूद समुदाय को मिलाकर बनता है। इसके अलावा फुले ने ब्राह्मण महिलाओं सहित सभी जातियों की महिलाओं को शूद्रातिशूद्र श्रेणी में रखा था, क्योंकि उनकी नजर में सभी औरतें जाति व्यवस्था की अमानवीयता की शिकार हैं। उत्पीड़ित जातियों के लिए एक और शब्द है बहुजन, जो संभवतः अंबेडकर के ही समकालीन विट्ठल रामजी शिंदे ने दिया था, मगर खेत की बात है कि जाति संबंधी अध्ययनों में शिंदे पर कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है। खैर, सफदर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दफे हमने जाति के मुद्दे पर एक नाटक तैयार करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाए। इतने सारे पहलू हैं, हम सबको एक नाटक में समेट नहीं सके। हमें इस मुद्दे पर कभी एक प्रोसिनियम नाटक बनाना चाहिए। हो सकता है कि एक बड़े कैनवस पर हम इस समस्या को संबोधित कर पाए। सफदर की मृत्यु के बाद हमने जाति पर दो प्रोसिनियम नाटक तैयार किए हैं। दोनों का निर्देशन मैंने किया था। एक नाटक था ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गोविंद देशपांडे का लिखा सत्यशोधक, और दूसरा था ब्रिजेश का शंबूकवध। ये नाटक रामायण के उस अंश पर आधारित है जिसमें श्रीराम वेद पढ़ने के अपराध में एक शूद्र का वध कर देते हैं। सत्यशोधक 1992 में और शंबूकवध 2004 में परफॉर्म किया गया। फिर 2016 में जन्म की कौमिता ने रोहित वेमुला के अंतिम खत पर आधारित द लास्ट लेटर का निर्देशन किया, और 2018 में हमने अभिषेक मजुमदार को आमंत्रित किया कि वो जन्म के लिए एक नाटक लिखें और उसका निर्देशन करें। नतीजा था तथागत, जिसमें एक प्राचीन बौद्ध राज का राजा एक शूद्र मूर्तिकार को मौत की सजा सिर्फ इसलिए सुनाता है कि वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए सफेद संगमरमर की जगह काला पत्थर चुनता है। सफदर जिस नाटक का जिक्र कर रहा था वो अप्रैल 1982 का है।
जन्म की फाइलों से पता चलता है कि इस मुद्दे पर गहन चर्चाएं हुईं और नाटक लिखने की कोशिशें भी की गईं। सफदर की लिखावट में हमारे पास 3 एपिसोड का एक नाटक का खाका मौजूद है। किसी और की लिखावट में एक दृश्य है जिसके 3 पन्ने के संवाद हैं। इसके अलावा उसी दृश्य के लिए सफदर की लिखावट में लिखे गए संवादों का एक पन्ना है जिसे पूरी तरह लकीर खींचकर काट दिया गया है। सफदर के खाके में 3 एपिसोड इस तरह हैं। 1, सूदखोर जमींदार फौरन वसूली या जमीन से बेदखली का हुक्म देता है, हत्या और लूटपाट, कारण और प्रभावों का गीत। 2, मजदूर अपनी पगार मांगता है, काम पूरा होने तक इंतजार को कहा जाता है, बहस होने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, बेटा बगावत करता है, रात में हत्या, कारण और प्रभावों का गीत। 3, मां बेटे का दाखिला कराना चाहती है, हेडमास्टर और दूसरे मां बाप व लड़के विरोध करते हैं, बहस के बाद पीट पीट कर हत्या, कारण और प्रभावों का गीत। इस खाके में ब्रेख्त का प्रभाव साफ दिखाई देता है। कारण और प्रभाव का गीत मानो सीधा ब्रेख्त की रचनाओं से उठाया गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सफदर और दूसरे लेखक दोनों के संवादों के जो अंश हमारे हाथ लगे हैं वे संभवतः एपिसोड 1 के हैं, पर दरअसल सबसे दिलचस्प वो चर्चा है जो ग्रुप में हुई और जिसका अंदाजा हमें सफदर और माला के लिखे नोट्स से मिलता है। मसलन, ललित सवर्ण हिंदुओं के द्वारा किए जाने वाले अपमान के बारे में बात करता है और कहता है कि आरक्षण और अन्य सुविधाएं दलितों को बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। इसके अलावा गरीबी, सामाजिक उपेक्षा और बहिष्कार के कारण शिक्षा संस्थानों में भी दलितों की ड्रॉपआउट दर बहुत ऊंची रहती है। आसिफ को ऐसा लगता है कि धर्मांतरण एक तरह की सुरक्षा की चाह को प्रतिबिंबित करता है। यहां सफदर लंबा हस्तक्षेप करता है, या हो सकता है कि सफदर के मुकाबले माला कहीं ज्यादा ब्यौरेवार नोट्स लेती है, इसलिए यह हस्तक्षेप लंबा लग रहा हो। सफदर सभी शोषितों के साथ होने वाले उत्पीड़न की बात करता है, मगर इस बारे में आगाह भी करता है कि सभी गरीबों के साथ होने वाले उत्पीड़न की सघनता को दिखाने के चक्कर में हम दलितों की खास समस्याओं पर फोकस धुंधला न कर दें। वो गरीब दलितों और गरीब गैर दलितों के बीच पैदा किए गए एक अस्वाभाविक विच्छेद के बारे में बात करता है। उसके मुताबिक जातिगत हिंसा और लोकतांत्रिक आंदोलनों के बीच एक विपरीत संबंध दिखाई देता है। जहां लोकतांत्रिक आंदोलन कमजोर होता है वहां जातीय हिंसा ज्यादा होती है, और जहां लोकतांत्रिक आंदोलन मजबूत होता है वहां जातीय हिंसा कम होती है। वो खेतों और मध्यवर्गीय घरों में काम करने जाने वाली दलित महिलाओं के यौन शोषण की बात करता है। वो कहता है कि दलितों की मुक्ति उनकी विशिष्ट पृथक पहचान बनाने से नहीं होगी, ये लोगों को जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे शासक वर्गों की एक साजिश है। दलितों की मुक्ति उत्पीड़ित जनता के साथ हाथ मिलाने और एक व्यापक एकजुटता तैयार करने पर ही हो सकती है। समाजशास्त्री रजनी पाल्डेवाला, जो उस वक्त जन्म में सक्रिय थीं, साजिश के इन सिद्धांतों के खिलाफ आगाह करती हैं, क्योंकि गांव में दलितों और गैर दलितों का भेद ठोस हो सकता है और इसलिए गांव में दलितों का सामाजिक बहिष्कार होता है। सुभाष त्यागी अपने गांव के अनुभवों को विस्तार से साझा करते हैं। वो कहते हैं कि वहां कुछ दलितों के पास बड़े बड़े घर तो हैं, मगर खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसकी वजह से सवर्णों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आती है। उनका मानना है कि जातिगत टकराव के पीछे आरक्षण कोई कारण नहीं है, जैसा अक्सर माना जाता है। जब कोई कहता है कि नाटक में किसी चीज को कैसे दिखाया जाए, तो इनके उन्हें याद दिलाता है कि ये चर्चा स्थिति को समझने के लिए की जा रही है, नाटक में क्या चीज कैसे दिखानी है इस बारे में नहीं। थोड़ा शायराना अंदाज में वो ये भी कहता है कि जाति व्यवस्था असल में बागियों को बिरादरी से बाहर निकालने का एक हथियार है। माला कहती है कि तथाकथित जातिगत संघारों में गरीब ही हैं जो जाति की सीमाओं का उल्लंघन करने पर पीड़ा सहते हैं। हमें इस समस्या के सामाजिक पहलुओं की पड़ताल करनी है। अरुण याद दिलाते हैं कि अस्पृश्यता भी कोई बीते जमाने की बात नहीं है, और इसलिए
उसे भी नाटक में जरूर रखा जाना चाहिए। दो सबसे तीखे हस्तक्षेप मनीष और रवि नाम के किसी साथी की तरफ से आते हैं। ना तो एनके को और ना ही माला को याद पड़ता है कि ये रवि कौन था। खैर, रवि हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह करते हैं और उसकी जगह दलित शब्द का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि दलित कोई मोनोलिथिक समूह नहीं होता। वो 18वीं 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की बात करते हैं और कहते हैं कि इससे केवल सतही सुधार ही आए, जिनसे दलितों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मिशनरियों ने छुआछूत को स्वीकार नहीं किया और दलितों को शिक्षा दी। रवि ये भी कहते हैं कि आरक्षण से लाभान्वित एक आराम तलब तबका पैदा हुआ है। वो ज्योतिराव फुले का जिक्र करते हैं, मगर फुले के बारे में उन्होंने क्या कहा ये नोट्स में नहीं लिखा है। मनीष बहुत सटीक बात कहते हैं कि जाति पर हमला असल में धर्म पर हमला है। उनके तर्क में अंबेडकर के इस विश्वास की गूंज सुनाई देती है कि अगर आप जाति को हटा लेंगे तो हिंदू धर्म में कुछ नहीं बचेगा। ये एक लंबी चर्चा का छोटा सा सारांश भर है। हमारे पास ये चर्चा सिर्फ जल्दी जल्दी में लिखे गए छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के रूप में ही मिली है। जहां तक मेरी समझ है, इस चर्चा में मौजूद लोगों में एक भी दलित नहीं था। खैर, 1982 में जाति पर उतनी विशद सामग्री मौजूद नहीं थी जो आज हम माउस के एक क्लिक के दम पर अपने सामने खोल लेते हैं। एक को छोड़कर गे लॉम्बर्ट की सारी किताबें 90 के दशक या उसके बाद की ही हैं। रोजेलिंड ओहैनलन का अध्ययन फुले पर पहला उल्लेखनीय अकादमिक शोध है जो 1985 में प्रकाशित हुआ था। सबाल्टर्न स्टडीज का पहला खंड 1982 में आया था। वसंत मून द्वारा संपादित और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस के विभिन्न खंड 1979 में प्रकाशित तो हुए थे, पर मुझे याद है कि 80 के दशक के मध्य में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली की कुछ बेहतरीन लाइब्रेरियों में पैठ होने के बावजूद इन किताबों को हासिल करना कितना भारी काम हुआ करता था। तो मतलब यह कि बुद्धिजीवी वर्ग इस सवाल पर थोड़े बाद में पहुंचा, मगर जाति का प्रश्न वामपंथी आंदोलन के एजेंडे में काफी पहले से रहा है। बीटी रणदवे का बेहद प्रभावशाली लेख कास्ट क्लास एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1979 में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उन्होंने कहा था कि यदि जाति विरोधी आंदोलन ग्रामीण सामाजिक संबंधों के सवालों को मध्य में नहीं रखता है तो वो जातिगत सुधारवाद की ओर खिसकता चला जाएगा, और दूसरी तरफ अगर कम्युनिस्ट भी जाति के सवाल की उपेक्षा करेंगे तो वामपंथी आंदोलन केवल वर्ग आधारित अंधेपन का शिकार होकर रह जाएगा। बीटीआर ने वामपंथी और जाति विरोधी दोनों आंदोलनों को बड़े पैमाने पर संयुक्त संघर्ष चलाने का आह्वान किया था। ईएमएस नंबूत्रीपाद ने भी इस दौर में जाति के सवाल पर तीन अहम चीजें लिखी। 1977 में कास्ट क्लास एंड पार्टीज इन मॉडर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1979 में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वर्सेस ग्रोइंग यूनिटी ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और 1981 में वंस अगेन ऑन कास्ट एंड क्लासेस। ये सारे लेख ईएमएस की किताब हिस्ट्री सोसाइटी एंड लैंड रिलेशंस सिलेक्टेड एसेज में संकलित है, जिसे 2010 में लेफ्टवर्ड बुक्स ने प्रकाशित किया था। बीटीआर की तरह ईएमएस भी संयुक्त संघर्षों पर जोर देते हैं और आरक्षण के समर्थन में बुलंद आवाज उठाते हैं। बहरहाल, सारी चर्चाओं के बावजूद और नाटक का एक मोटा मोटी खाका तैयार करने के बावजूद जन्म यह नाटक नहीं रच पाया। मेरा ख्याल है कि सफदर ने जो बात बाद में मुझे कही थी वही अहम थी। वे लोग नुक्कड़ नाटक के सीमित और संक्षिप्त धरातल पर समस्या के असंख्य पहलुओं को समेटने में कामयाब नहीं हो पाए। जन्म के शुरुआती नाटकों में हर परिघटना को समग्र रूप में पकड़ने की महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। जब उन्हें इस कोशिश में कामयाबी मिले, उन्होंने मशीन और औरत जैसे शाहकार तैयार किए। इन दोनों नाटकों में एक पैनोरामिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। ये विराट धरातल वाले नाटक हैं, मगर कई दफे समूह के भीतर मौजूद अलग अलग मतों को समेटने में नाकामी की वजह से पूरी कोशिश धराशायी भी हो जाती है। हरिजन नाटक के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ।
80 के दशक का मध्य, बच्चों के लिए लेखन। उस वक्त मैं स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। ये 14 नवंबर 1983 की यानी चिल्ड्रंस डे की बात है। ज्यादातर स्कूलों में इस दिन बच्चों द्वारा परफॉर्मेंस आयोजित की जाती है। उनके अध्यापक अध्यापिकाएं दर्शकों में बैठकर उनकी कला को देखते हैं। सरदार पटेल विद्यालय इस मामले में औरों से थोड़ा अलहदा है। यहां अध्यापक अध्यापिकाएं मंच पर थे और बच्चे दर्शक बने थे। मुझे याद है कि हमारे दो संगीत शिक्षकों उमा भाई और शाणे सर और एक आर्ट टीचर ने हिंदी फिल्म पड़ोसन का गीत एक चतुर नार गाकर कैसे बच्चों को लोट पोट कर दिया था। इसके बाद द डिसअपीयरिंग एक्ट नाम का एक नाटक पेश किया गया जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल के 6 टीचर्स ने अभिनय किया था। इस नाटक में एक साथ रहने वाली 6 बहनें हैं। एक दिन डाकिया इनमें से एक बहन के लिए खत लेकर आता है। बाकी 5 बहनें छठी बहन को सब जगह तलाशती हैं मगर वो उन्हें मिलती नहीं है, क्योंकि गायब हो गई बहन का किरदार वही अदाकार पेश करती है जो डाकिया बनकर आई है। अगले दिन एक दूधिया दूध देने आता है मगर जिस बहन ने उसको दूध लाने के लिए कहा था वो भी दिखाई नहीं देती। ये सिलसिला इसी तरह चलता जाता है और सभी बहनें एक एक करके गुम होती चली जाती हैं। द डिसअपीयरिंग एक्ट ये दिलकश नाटक था और इसका लाजवाब तर्क उसी समय खुल जाता है जब पहली बहन डाकिये के रोल में आती है। सिवाय बाकी बहनों के हर व्यक्ति को मालूम था कि क्या चल रहा है। कुछ छोटे बच्चे तो अभिनेत्रियों को देखकर खुशी से चीखने लगे थे। वे इशारे करके बताते थे कि गुमशुदा बहन कहां है जिसे बाकी बहनें ढूंढ नहीं पा रही हैं। अपने टीचर्स को स्टेज पर इस तरह बेवकूफाना हरकतें करते देखना स्कूल की स्थापित ऊंच नीच की व्यवस्था को मानवीय ढंग से उलट देना एक मजेदार अनुभव था। इस नाटक की 6 में से 2 बहनों की भूमिका गार्गी और माला ने निभाई थी और यह नाटक सफदर ने लिखा था। माला ने जुलाई 1981 में एसपीवी के प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की थी। दिल्ली में एसपीवी एक प्रगतिशील स्कूल के रूप में ख्याति अर्जित कर चुका था। इसकी प्रिंसिपल विभा पार्थसारथी बच्चों को कला गतिविधियों में हिस्सा लेने और अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा की जाने वाली परफॉर्मेंसेस से जुड़ने के लिए खूब प्रोत्साहित किया करती थी। माला अक्सर सफदर को इस बारे में बताती थी कि वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रही है। इस पर सफदर भी उसे इस बारे में कुछ सुझाव देता कि किसी कहानी या कविता को कैसे परफॉर्म करें तो अच्छा रहेगा। खास तौर से बच्चों के लिए सफदर ने कोई चीज संभवतः पहली बार तब लिखी जब स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की माँ जो खुद एक नर्तकी थी ने एक अन्य अभिभावक द्वारा लिखी गई अकबर बीरबल की कहानी पर बच्चों के लिए एक परफॉर्मेंस तैयार करना चाहा। वो कहानी अंग्रेजी में थी और एसपीवी ऐसे गिने चुने स्कूलों में था जहां हिंदी के प्रति किसी अहंकार या हिकारत के बिना उसको प्रोत्साहित किया जाता था। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई का माध्यम भी हिंदी था। माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचकर बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगते और 3 साल में उन्हें तीसरी भाषा भी सीखनी होती थी। माला ने सफदर से कहा कि वो अकबर बीरबल की उस कहानी का हिंदी में अनुवाद कर दे। सफदर ने अनुवाद करने के बजाय उसको दुनिया सबकी नाम की एक लंबी कविता में तब्दील कर डाला और अंत में उसे एक नाटकीय ट्विस्ट पे दे दिया जिसमें अकबर को यह एहसास होता है कि यह धरती या तो सबकी है या किसी की नहीं। सफदर ने एसपीवी के बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाओं के कहने पर बच्चों के लिए नाटक और कविताएं लिखी। जब मिडिल स्कूल की एक अध्यापिका ने कक्षा 7 के बच्चों के लिए एक नाटक लिखने का आग्रह किया तो सफदर ने गिरगिट नाटक लिखा जो एंटन चेकव की लघु कथा द कैमेलियन पर आधारित था। माला बाल दिवस के लिए तैयार किए गए एक और नाटक मूर्तिकार के बारे में भी बताती है जिसमें कक्षा 2 और 3 के बच्चों के साथ अध्यापिकाओं ने अभिनय किया था। इस नाटक में वयस्क आपस में लड़ने लगते हैं और बच्चे अपनी कला के माध्यम से उन्हें रास्ता दिखाते हैं।
माला का कहना है कि बच्चों के लिए लिखी गई सफदर की चीजों में किताबें कविता शायद सबसे बेहतरीन है। एसपीवी में जूनियर और सीनियर स्कूलों के लिए अलग अलग इमारतें हैं और दोनों के बीच थोड़ा सा फासला है। जूनियर स्कूल की लाइब्रेरी सीनियर स्कूल की बिल्डिंग में बनी मुख्य लाइब्रेरी का हिस्सा थी। माला ने विभा पार्थसारथी से पूछा कि क्या जूनियर स्कूल के सीढ़ियों के नीचे पड़ी जगह को बच्चों की एक अलग लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तब विभाबेन ने कहा कि अगर किताबों की छटाई, उनका हिसाब रखने और मुख्य लाइब्रेरी में किताबें लौटाने आदि की व्यवस्था माला खुद संभाले तो ऐसा हो सकता है। माला एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है ही, सो उसने इस परेशानी का हल निकाल लिया और फलस्वरूप अब जूनियर स्कूल के पास किताब घर नाम की एक अपनी लाइब्रेरी है जो बच्चों और अध्यापकों की बहुत आसान पहुंच में रहती है। ये लाइब्रेरी अध्यापकों और माता पिता के योगदान और सुझावों से तैयार हुई। इस लाइब्रेरी में बच्चे सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड भी हुआ करता था जिस पर माला और दूसरी अध्यापिकाएं किताबों से जुड़ी चीजें प्रदर्शित किया करती थीं। एक दिन माला ने सफदर से किताबों की दुनिया की भव्यता पर एक कविता लिखने के लिए कहा। आमतौर पर जब वो सफदर को अपने बच्चों के लिए लिखने के वास्ते कहती थी तो उसे विस्तार से बताती थी कि वो क्या चाहती है, फिर सफदर उसमें अपने ख्यालों को जोड़कर और व्यापक तस्वीर बना देता था। मगर इस बार माला के कुछ कहने से पहले ही सफदर लिखने में जुट गया। माला बताती है, आई जस्ट सेड आई वांट समथिंग अबाउट द वंडर ऑफ बुक्स एंड द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ही रोट इट एज लॉन्ग एज इट वुड हैव टेकन टू एक्चुअली फिजिकली राइट डाउन द टेक्स्ट ऑफ दैट पोएम, which would be what? Not more than 5 minutes. He didn't even have to think. I remember that there was little rewriting. Safdar always looked at his work and reworked on things, but it was minor. Even later, minor meaning even after, it was really minor. Most, like 98% of it would have been, you know, the first draft was there. And it was written like that. And I should be having a copy of that somewhere on a little scrap of paper that he wrote. So that came out very well. So when I took it to school and I sort of did up a board, and kids really enjoyed that poem because I didn't tell them anything, that read. Many kids came up to me. In fact, I remember what Animesh told me. I mean, I remember that boy because he was one of those quiet guys. He said ki main bhi aise likhna chahta hoon. Kitabe karti hai baatein, किताबें करती है बातें, बीते जमानों की वो दुनिया की, इंसानों की वो आज की कल की वो एक एक पल की वो खुशियों की गमों की वो फूलों की बमों की वो जीत की हार की प्यार की मार की सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें, किताबों की बातें, किताबों की बातें, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। किताबें कुछ तो कहना चाहती है तुम्हारे है। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती कि इनमें मिले खेतियाँ लहलहाती किताबों में झरने मिले गुनगुनाते बड़े खूब परियों के किसे सुनाते अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे, जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे, क्या तुम इसमें जाना नहीं
जो इनमें है पाना नहीं चाहूंगी। किताबें 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 कुछ तो कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें 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 को बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक पोस्टर की शक्ल दी। सहमत ने भी मिकी पटेल के चित्रों के साथ इस कविता का एक पोस्टर तैयार किया था। ये कविता दूर दूर तक फैली और इंटरनेट पर आज आसानी से मिल जाती है। ये भाषा के साथ खेलने, उसका रचनात्मक इस्तेमाल करने का बेहतरीन उदाहरण है। माला के शब्दों में सफदर की भाषा में एक बहुत तीखी सरलता थी। 1983 से 1987 के बीच उन 4-1 सालों में सफदर ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा। कभी उसने अनुवाद किए, कभी किसी चीज के आधार पर कुछ और तैयार किया। माला के या एसपीबी के अन्य अध्यापिकाओं के कहने पर वो कुछ ना कुछ लिखता रहता। माला बच्चों के लिए जो लर्निंग मटेरियल्स तैयार करती, उसके वास्ते नए नए शब्द और स्केच बनाने में भी सफदर माला की मदद करता था। माला कहती है वो अक्सर अपने ख्याल जोड़ देता और मेरे पगले विचारों में और पागलपन जोड़ देता था। सफदर ने खुद कभी बच्चों के बीच काम नहीं किया, ना ही उसे अध्यापन की ट्रेनिंग हासिल थी, मगर माला याद दिलाती है कि सफदर की मां यानी अम्मा जी खुद अध्यापिका थीं और बहुत ही उत्साही अध्यापिका। सफदर ने निश्चित रूप से उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी तरफ से माला सफदर को बताती थी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बड़े उनको सीखने में मदद दे सकते हैं। उन्हें बच्चों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ सोचने समझने वाले मनुष्य जैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में परोसी गई थाली से अपने मतलब का सामान चुन लेने की जादुई क्षमता होती है। जब सफदर ने बांग्ला सीखी तो वो सुकुमार रे को पढ़ने लगा। वो नॉनसेंस लेखक के एक और माहिर एडवर्ड लियर का भी बड़ा शैदाई था। उसने सुकुमार रे का हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की, मगर उसमें उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई, लिहाजा उसने कुछ नया लिखने की कोशिश की। नतीजा था गड़बड़ घोटाला नाम की कविता, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। माला ने अपने बच्चों से इसको परफॉर्म करवाया था। कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला, कमरे के अंदर घर है और गाय में है घोशाला, दांतों के अंदर मुंह है और सब्जी में है ताली, रुई के अंदर तकिया और चाय के अंदर प्याली, मकड़ी में भागे जाला, कीचड़ में बहता नाला, कीचड़ में बहता नाला, कुछ भी समझ ना आए ये कैसा है घोटाला। सफदर ने सुकुमार रे के पिता और सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी की कहानी पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म गुपी गायन भागा बाइन के आधार पर बच्चों का एक नाटक भी लिखा। इसके अलावा माला और सफदर ने मिलकर स्कूल की अलग अलग गतिविधियों के लिए कई कहानियां रची जो कभी लिखी नहीं गई। इनमें से बहुतों में सांप, भैंस, ततैया, केंचुआ, कौआ, मेंढक जैसे जानवर होते थे जो आम तौर पर बाल साहित्य में नहीं पाए जाते। सफदर और माला की कहानियों में वे महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाते थे। उनकी कहानी और नाटकों में जेंडर आधारित भूमिकाएं उलट पलट जाती हैं। जब मादा चिड़िया नर चिड़िया को खतरे से बचाकर निकालती है, नर इठलाता है और कहता है, अरे बड़ी देर कर दी, मुझे भूख लगी है। एक कहानी एक ऐसे देश के बारे में थी जहां राजा ने गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। वहां एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, सिर्फ गा सकता है। यह कहानी कभी किसी ने नहीं लिखी, मगर जन्म ने इसे नाटक जारी है नाम से नाटक में तब्दील किया। 1 जनवरी 1990 को यानी सफदर की शहादत की पहली वर्षगांठ पर हमने यह नाटक झंडापुर में परफॉर्म किया था। सफदर ने बाल रचनाएं किसी प्रकाशक के लिए किताबों में तब्दील किए जाने के लिए नहीं लिखी थी। उसने ये बच्चों के इस्तेमाल करने के लिए अध्यापकों या परिजनों या दोस्तों के वास्ते लिखी थी। उसकी ज्यादातर चीजें खास संदर्भों में खास पाठकों या प्रयोक्ताओं को जहन में रखकर लिखी गई थी। वे आने वाली पीढ़ियों को नजर में रखकर नहीं लिखी थी। नतीजतन
भले ही सफदर ने बड़ी मेहनत की हो, मगर उसमें एक आकस्मिकता है, एक तरह की सहजता है, लिखने की बजाय बोलने वाली खासियत है। हालांकि सफदर हमेशा अफसोस करता था कि वो सुकुमार रे जैसे क्यों नहीं लिख सकता। सफदर की मृत्यु के बाद सहमत ने उसके लेखन को किताबों में संकलित किया। इन किताबों में जाने माने कलाकारों ने साज सज्जा और चित्र बनाए। ये किताबें बच्चों, माँ पिता और अध्यापकों को आज भी मजे दे रही हैं। अस्सी के दशक का मध्य, रंगमंच को गंभीरता से लेना। सफदर के कागजों में एक हस्तलिखित नोट मिलता है जिसका शीर्षक है एड हॉकिज्म इन स्ट्रीट थिएटर, मतलब नुक्कड़ नाटक में काम चलाऊ रवैया। ये नोट 1983 का है जिसमें वो इस बात पर दुखी दिखाई देता है कि हम में से ज्यादातर लोग नुक्कड़ नाटक को बेरहमी से काम चलाऊ अंदाज में लेने लगे हैं। जन्म में मशीन के बाद से नुक्कड़ नाटक के स्वरूप और उसके व्याकरण को लेकर लंबी बहसें और चर्चाएं होती रही हैं। जब आप केवल एक तरफ बैठे दर्शकों के लिए परफॉर्म करते हैं तो दर्शक के लिए दूर वाले हिस्से को, यानी मंच के पिछले हिस्से को अपस्टेज कहा जाता है, और दर्शकों के पास वाले हिस्से को, यानी मंच के अगले हिस्से को डाउनस्टेज कहा जाता है। इसी तरह स्टेज लेफ्ट और स्टेज राइट भी अभिनेताओं का बायां या दायां पक्ष नहीं, बल्कि दर्शकों का बायां और दायां पक्ष होता है। मंच पर अभिनय का दायरा विंग्स और पर्दों के सहारे स्पष्ट रूप से चिन्हित होता है, मगर जब आपके चारों तरफ दर्शक बैठे हों तब क्या होता है? जो हिस्सा एक तरफ बैठे दर्शकों के लिए अपस्टेज है, वही सामने बैठे दर्शकों के लिए डाउनस्टेज हो जाएगा। इसी तरह स्टेज लेफ्ट और स्टेज राइट भी निरर्थक हो जाएंगे। इसमें विंग्स या पर्दे नहीं हैं जो एक्टर्स और एक्शन को छिपा सकें या जिसके पीछे से वो सामने आ सकें। ऐसे में एक घेरेकार जगह पर परफॉर्म करने के लिए अलग व्याकरण की आवश्यकता थी। एनके, त्यागी, राकेश, सफदर, ललित और अन्य लोग गलियों में मजमा लगाकर बेचने वालों का बार बार जिक्र किया करते थे, जो जड़ी बूटियों, फूलों, बीजों और अलग अलग जानवरों के उल्लेखनीय और अनुल्लेखनीय अंगों से निकले रसों से मिलाकर बनाए जाने वाली चिकित्सकीय और कामोद्दीपक दवाइयां बेचा करते थे। खासतौर से पुरानी दिल्ली में ऐसे मजमेबाज बहुत पाए जाते थे। चारों तरफ खड़े और बैठे दर्शकों को ये मस्त कलंदर अपने शब्द चातुर्य, हाजिर जवाबी, वक्रोक्ति से लबालब जुमलों के सहारे घंटों बांधे रहते। सफदर और उसके साथी इन परफॉर्मर्स की कलाकारी के कायल थे। सफदर पूछता है, क्या प्रोसिनियम रंगमंच के कुछ स्थापित लोगों की अधूरी सोच का ही नतीजा है कि नुक्कड़ नाटक को नारेबाजी कहकर हाशिए पर धकेल दिया जाता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसकी एक वजह, और मेरे ख्याल में बड़ी वजह, यह है कि हम में से ज्यादातर लोग नुक्कड़ नाटक को बेरहमी से और काम चलाऊ ढंग से देखते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने नुक्कड़ नाटक का खास व्याकरण और भाषा सीखने और विकसित करने की कोशिश की होगी? कितने लोगों ने नुक्कड़ नाटक के स्वरूप और जरूरतों के हिसाब से खुद को मांझने की सचेत कोशिशें की होंगी? कितनों ने नुक्कड़ नाटक की परंपरा को निर्धारित करने का प्रयास किया है? मुझे खेद है कि ज्यादातर ने नहीं किया है। हमारे नाटक अनगढ़ होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, उनमें मनोरंजन नहीं होता, वे प्रेडिक्टेबल और बासी दिखते हैं। जब हम गीत गाते हैं तो सुर ताल ऊपर नीचे पड़ते हैं, जब हम नाचते हैं तो हमारे कदम बेढब होते हैं, जब हम बोलते हैं तो सड़क के शोर का मुकाबला तक नहीं कर पाते, हमारे दृश्य घिसे पेटे होते हैं, हमारे किरदार सिर्फ कैरिकेचर होते हैं, यहां तक कि हमारा हास्य भी खालिस बेलुत्फ होता है। हमें देखना लोगों के लिए एक अच्छी खासी सजा होती है। फिर भी इस बात को दर्ज किया जाना चाहिए कि हम फल फूल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम ही लोग हैं जो सड़कों पर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे दर्शक कला के लिए भूखे हैं। मुझे लगता है कि हमने अपनी सफलता को सहज प्रदत्त मान लिया है।
इस विधा के सकारात्मक विकास की संभावना के लिए यह रवैया घातक साबित होगा। लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध वैकल्पिक थिएटर, जीवन के दैनिक मुद्दों पर परिवर्तनशील ढंग से प्रतिक्रिया देने वाले थिएटर के विकास की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता तब तक खोखली है जब तक हम इस माध्यम की जरूरतों और अपेक्षाओं को संजीदगी से नहीं लेंगे। हमें सदा ये याद रखना चाहिए कि हम रंगमंचीय कामगार हैं। जब तक हमारा काम रंगमंच पर दिखाई नहीं देगा ये निरर्थक है। साफ पानी पीने के लिए हमें गहरा कुआं खोदना होगा। अगर हम जरा सी नमी देखते ही खुदाई बंद कर देंगे तो हम साफ पानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे काम में आकस्मिकता और यथार्थवाद का रवैया खूब है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि नुक्कड़ नाटक तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है। ये सोच बेहद हानिकारक है। नुक्कड़ नाटक में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है जो मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तपाने के लिए और कठोर परिश्रम करने को तैयार नहीं है। जो लोग किसी नैसर्गिक प्रतिभा या इसे सींचने की किसी तमन्ना के बिना इसमें कूद पड़ते हैं वे नुक्कड़ नाटक को गैर कलात्मक मानकर उस पर हमला करने वालों से भी ज्यादा हानिकारक हैं। लगभग तय है कि ये नोट फरवरी 1983 में मध्य प्रदेश रंगमंडल भोपाल और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए 10 दिवसीय राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक उत्सव एवं कार्यशाला में हिस्सा लेने के बाद लिखा गया है। इस उत्सव के पर्चे में देश भर के 27 थिएटर संगठनों के नाम दिए गए थे। इसमें उज्जैन, अंबिकापुर, देवास, ठाणे, राजनांदगांव, आरा, गोरखपुर, बीकानेर, जबलपुर और चेन्नई के अलावा भी कई शहरों के नाम हैं। दिल्ली से जन्म के अलावा दो और भी समूह हैं। एक था एहसास, जिसमें दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा, जिन्होंने नौटंकी अदाकारा गुलाब बाई पर एक किताब लिखी है, राहुल रॉय जो फिल्मकार और कार्यकर्ता हैं, वृंदा ग्रोवर जो वकील हैं और संजय रॉय जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जाने जाते हैं, ये सब शामिल थे। दूसरे समूह का नाम था अखिलेश ग्रुप, जो मंडी हाउस में पाए जाने वाले कुछ एक्टरों का जमावड़ा भर था जो भोपाल तफरी करने गए थे। इनमें न तो नुक्कड़ नाटक से कोई प्रेम था और न ही इसके प्रति कोई उत्साह। इस उत्सव में भारतीय रंगमंच के चोटी के कलाकारों को बुलाया गया था। कुल मिलाकर इस उत्सव में 65 नाटककार, निर्देशकों, समीक्षकों और अन्य लोगों को निमंत्रण भेजे गए थे। उत्सव में आमंत्रित लोगों में शंभु मित्रा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गोविंद देशपांडे, त्रिपुरारी शर्मा, प्रसन्ना, पर्ल पदमसी, एम के रैना, बंसी कौल, कमलाकर सोनटक्के, रति बार्थोलोमियो, नामवर सिंह, महेश एल कुंजवार, अनुराधा कपूर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्यामानंद जलान, एम एस सत्यू और राजेंद्र नाथ शामिल थे। मुझे पक्का तो नहीं मालूम कि इनमें से किस किस ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कौन नहीं आए थे। इस सूची में मणिपुर के किसी संगठन का नाम तो नहीं है, मगर वक्ताओं और प्रेक्षकों की सूची में हाइसनाम कन्हैलाल और सावित्री हाइसनाम के नाम शामिल हैं। माला को याद है कि इसी उत्सव में उसने उनके क्लासिक नाटक पेबेट की परफॉर्मेंस देखी थी। एक माँ चिड़िया अपने बच्चों को एक धूर्त और बदमाश बिल्ली के पंजे से बचाने के लिए क्या क्या करती है, इस पर केंद्रित एक साधारण लोक कथा की इस शब्दहीन प्रस्तुति को देखकर जन्म की टीम हतप्रभ रह गई थी। ये नाटक मौलिक और लयात्मक है। जिसने भी सावित्री को माँ चिड़िया की भूमिका निभाते हुए देखा है वो इस अभिनेत्री का अद्भुत और गरिमापूर्ण अभिनय कभी नहीं भूल पाएगा। वे सरल एवं परिष्कृत भाव मुद्राओं की भाषा और विस्तृत ध्वनि अभिव्यक्तियों को अभिनय, नृत्य और गायन के एक निस्सीम मिश्रण में घोल देती हैं। सावित्री का शरीर कलाकार, साज और अभिव्यक्ति तीनों का ऐसा विरला संगम है जो खोजते नहीं मिलता। आज लोग रंगमंच के धरातल पर तमाम तरह के प्रयोगों के आदि हो चुके हैं। 80 के दशक की शुरुआत में जब खुद जन्म का नुक्कड़ नाटक भी मुख्य धारा के रंगमंच से शैली और स्वरूप के धरातल पर एक विच्छेद कर रहा था, उस समय सावित्री और कन्हैयालाल का रंगमंच बौद्धिक और भौतिक, विस्फोटक और संयमित, संगीतीय और भंगिमात्मक,
तात्विक और आधुनिक सबको समेटे हुए था, और ये सब कुछ जिस अतुलनीय सटीकता और परिष्कार के साथ पेश किया गया था वो एक अलग ही धरातल की उपलब्धि थी। इसने लोगों को अवाक छोड़ दिया था। सालों बाद भी मैं सफदर और माला से इस महान अभिनेत्री की कहानियां सुना करता था। आखिरकार 2010 में जन्म के हम कुछ साथी अपना झोला डंडा लेकर निकले और 10 दिन तक कन्हैयालाल, सावित्री और उनके नौजवान साथियों के साथ इम्फाल में रहकर आए। यह हम सबके लिए एक अविस्मरणीय शैक्षिक अनुभव था। प्रोबीर गुहा, जो फिजिकल थिएटर में माहिर थे, वे भी कलकत्ता के पास स्थित 24 परगना से अपनी लिविंग थिएटर लेकर भोपाल पहुंचे थे। लखनऊ से आत्मजीत कलम के साथ आए थे। अमृतसर से गुरशरण सिंह अपना अभिनय नाट्य कला केंद्र लेकर आए थे। रत्नाकर मतकरी बंबई से सूत्रधार लेकर आए थे। कर्नाटक से समुदाय की एक ग्रामीण टीम भी आई थी। सुबह परफॉर्मेंस होती थी, दोपहर को उन पर चर्चा और फिर शाम को विशेषज्ञों के भाषण। 80 के दशक के दौरान एनके और सफदर ने अपने रंगमंच कौशल को निखारने पर खास तौर से जोर दिया था। वे नाटक देखने जाते थे, जैसा कि जन्म के बाकी लोग भी कमोबेश देखते थे। अन्य रंगकर्मियों से चर्चा करते थे, विभिन्न वार्ताओं और सेमिनारों में हिस्सा लेते थे और थिएटर कलाकारों के साथ दोस्तियां गाढ़ते थे। नुक्कड़ नाटक फेस्टिवल के साल भर पहले भी एनके और सफदर भोपाल गए थे, जहां निर्देशक पीटर ब्रुक आने वाले थे और देश भर के रंगकर्मियों से बात करना चाहते थे। ये उनके प्रख्यात महाभारत प्रोजेक्ट से काफी पहले की बात है। इस प्रोजेक्ट में उन्हें 80 के दशक में कई बार भारत आना पड़ा। बाद में सफदर ने ललित को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला दिलाने की भी कोशिश की। वो ललित को कहा करता था, यार हमें प्रशिक्षित रंगकर्मी की जरूरत है, कोई ऐसा आदमी जो हमें और दूसरों को प्रशिक्षण दे सके, कोई ऐसा जो काम को आगे बढ़ा सके। सफदर उसके लिए फॉर्म लेकर आया, फॉर्म भरकर उसको जमा करवा कर आया। एनएसडी में अपने संपर्कों के माध्यम से उसने प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। भीतर के लोगों से मिले इस ज्ञान और अपनी मेहनत के दम पर ललित ने लिखित इम्तिहान तो पास कर लिया, मगर वो प्रैक्टिकल इम्तिहान पास नहीं कर पाया। कई मौकों पर जन्म ने विवादास्पद मुद्दों पर स्पष्ट स्टैंड लिया और कलाकारों और बुद्धिजीवियों को गोलबंद करने में भूमिका अदा की। उदाहरण के तौर पर, जब लंदन में आयोजित होने वाले फेस्टिवल ऑफ इंडिया से प्रसन्ना निर्देशित तुघलक नाटक रद्द करने का फैसला लिया गया, तो जन्म ने इसका सख्त विरोध किया। इस विवाद में एनएसडी के उस समय के निदेशक बीएम शाह ने एक प्रतिगामी पोजीशन ली थी और इस तरह से आप कह सकते हैं सेंसरशिप का समर्थन किया था। 8 फरवरी 1986 को जब जन्म और परचम के कलाकार मद्रास होटल के पास परफॉर्म कर रहे थे, तो अचानक पुलिस आ गई और एनके और सफदर को हिरासत में ले लिया। इसके जवाब में कलाकारों ने उसी दिन बयान जारी किया और इसे बर्बर दमन का एक कदम बताया। उन्होंने मांग की कि जन्म के कलाकारों को फौरन रिहा किया जाए। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में जन्म के सदस्यों के अलावा भीषम साहनी, एम के रैना, दादी पदम जी, रामनाथ पसरीजा और मंजीत बावा जैसे जाने माने लोग शामिल थे। शाम को इन कलाकारों को रिहा कर दिया गया। 80 के दशक में सफदर के दोस्तों में सीमा कपूर एक थीं। उस समय उनका ओमपुरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। सफदर और ओमपुरी के बीच फौरन एक गहरा राब्ता कायम हो गया। जब ओमपुरी ने श्याम बेनेगल की फिल्म सुस्मन में अपनी जुलाहा की भूमिका के लिए बुनाई सीखी, तो उन्होंने सफदर को अपने हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा भेंट किया। सफदर की पहली बरसी पर ओमपुरी बंबई से दिल्ली आए, हमारी परफॉर्मेंस देखने झंडापुर तक साथ गए। अगली शाम को रविंद्र भवन में आयोजित मेमोरियल कार्यक्रम में उन्होंने पाश की कविता घास पढ़ी। सालों बाद जब माला और मैं ओमपुरी से मिलने गए, तो उनका पहला सवाल था, उसने उस कपड़े का क्या किया? जब हमने उन्हें बताया कि सफदर ने उस कपड़े से कमीज बनवाई थी और उसे बड़े फख्र से पहनता था, तो ओमपुरी की आंखें नम हो गई थी। बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल,
बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल, बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे, मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त, इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन, इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शरणा दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई, सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बैफुट, समीरा अयंगर, विनुता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे, मुलोयश्री हाशमी और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।